जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप भी आइए रवि जी। इनकी शक्ल को देख के नहीं लगता स्वाद भरा आदमी है ना। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक ब्रदर। हम चाहते हैं कि पूरी खेल आपकी इंडिया में लेवर की फैल जाए और बहुत बहुत शुभकामनाएं। Auspicious brand. Thank you. This is a great brand. Thank you very much. I am thankful to Chandrakant Singh. Even Chandrakant, please come. Chandrakant has been a renowned film director. He has directed several films. Chandrakant Singh, then Ravi Singh. These are all the colleagues. We are all the colleagues, and we are trying to make this place a very happening place because we have several delicacies. And today is the day where we want you to taste the delicacies. Talk about it, review about it, and make it sure that everybody in Juhu as well as Mumbai knows about it. So I am thankful to everybody who has been the part of this great initiative. Thank you. Thank you, Sonalika. Also, Sonalika is my dear friend. She is also here. Please, Sonalika, welcome you. Come. My friendship with Ravi is like goes very old. We are very old friends. And whenever I went to New Zealand, he always looked after me. And these all restaurants in New Zealand is so nice and delicious food over there. And I'm so happy that he finally decided to open this particular restaurant over here. And his other chain, which is named Ravi's, which he might be starting soon, from our restaurant over here. So all the best to him for this particular venture. And my all future meetings will be taking place here only. And I'm thankful to all my friends who are here. Hemant Pandey ji, Peter, Marisa, Sanjay. Hemant bhai, aap kuch kehna chahenge? Hemant bhai ko please bhai. और मुझे जो अपने व्यंजन है अपने उसका एक मिशन किया है, एक अलग तरह कॉन्सेप्ट, कैसे ख्याल में आया आपके और इसका सब स्टार्ट किया? देखिए, हमारा करियर 99 2000 से स्टार्ट हुआ न्यूजीलैंड में, राइट। मैं 98 में चला गया था न्यूजीलैंड और 2000 से मैंने एक ब्रांड डेवलप किया जिसका नाम रवीज़ है। हमारे नाम पे मेरा नाम रवि है तो जेड में न्यूजीलैंड से लिया था तो रवीज़। और स्टार्टिंग में नहीं पता था कि वो ब्रांड को मैं पूरे कंट्री में, देयर वाज अ टाइम कि वो कंट्री में वन ऑफ द पॉपुलर और बिगेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट ब्रांड बना था, यू नो, एंड पीपल दैट स्टेज मैकडोनल्ड के साथ कंपेयर करना स्टार्ट किया था। तो इंडियन तो हमने बहुत, इंडियन और इंडियन चाइनीज़ हमने बहुत साल किया, 18-20 साल हमने किया। इंटरनेशनल में ट्रैवल बहुत करता था, मैं कलकत्ता से हूँ, मेरा डिटर्मिनेशन था कि इंडिया में ऐसे प्रोडक्ट लेके आना है कि लोग को लगे कि हाँ कुछ नया है। और खाली प्रोडक्ट की बात नहीं, खाली कुजीन की बात नहीं है, काफ़ी एरिया है जो लोग नहीं देखते कि बैक हैंड से क्या काम होता है, वो मेरे को करना है। लोग को बताना है कि खाने का साथ साथ हाइजीन स्टैंडर्ड क्या होता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि हाइजीन स्टैंडर्ड यहाँ लोग नहीं मानते हैं, बट इंटरनेशनल जब आप जाते हो तो थोड़े छोटे छोटे बारीकी जो हम यहाँ मिस करते हैं वहाँ पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है, वो चीज़ है। सर्कस सर्कस का थीम जो है, मैं मलेशियन कुजीन का बहुत बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, यू नो, क्योंकि बहुत सिमिलर इंडियन से है बट डिफरेंट है। तो ये सर्कस सर्कस का जो थीम है, एक तो फंकी थीम है, यू नो, और कुजीन का ऐसा नहीं कि फ्यूज़न है, ये बिल्कुल फ्यूज़न नहीं है। टोटल मेन्यू हमारा जो है साउथ ईस्ट एशियन कुजीन है, मलेशियन डोमिनेटेड बाय मलेशियन एंड इंडियन। तो टिपिकल नॉर्थ इंडियन मेन्यू, एक पार्ट आप मेन्यू का देखेंगे तो टिपिकल नॉर्थ इंडियन, हाफ मेन्यू इज़ नॉर्थ इंडियन मलेशियन, और साथ में थोड़े बहुत चाइनीज़ और थाई की कॉम्बिनेशन है। काफ़ी सैलड्स है, हेल्थ फूड काफ़ी है। तो ये जो है, मैं काफ़ी ये एरिया में रहता, मैंने जब भी आता हूँ तो ये एरिया में रहने का मौका मिलता है। तो ये चीज़ का मेरे को लगा कि ये अंधेरी वेस्ट में जो है इस चीज़ का रिक्वायरमेंट है, और जगह काफ़ी दिनों से मैं तलाश में थे कि जगह मिले। अभी फ़िलहाल बहुत छोटा जगह मिला है, बट प्लान ये है कि अपने को बड़ा ब्रांच खोलना है, बिगर आउटलेट खोलना है, काफ़ी खोलना है और कवर करना है, मुंबई सिटी कवर करना है। प्लस जब एक बार ये ब्रांड यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर हम ये इंडिया बेस्ड बनाएंगे। अगर हम जाकर ओवरसीज़ में कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, तो डिटर्मिनेशन ये है कि हम ये जो ब्रांड है हमारा सर्कस सर्कस है, और जिस तरह कुजीन हम ऑफर कर रहे हैं, हम इंडिया में इस ब्रांड को काफ़ी फ्लरिश करेंगे।
आपने कहा जिसे न्यूजीलैंड में आपने स्टार्ट किया था उस वहाँ से यहाँ पर आप कुछ नए चेंजेस लाना चाहते हैं, कुछ कॉन्टैक्ट करें, कुछ नए चेंजेस जो आपको लगता है यहाँ ज़रूरत है? देखिए, ज़रूरत ये है कि काफ़ी मलेशियन इंडियन कुजीन ऐसा है कि कुछ खाना ऐसा है, व्यंजन ऐसा है कि वाइन्स का के साथ काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, जो लोग यहाँ पर अभी करना स्टार्ट कर रहे हैं. यू नो, प्लान यही है कि बेस्ट वाइन, जो वर्ल्ड का बेस्ट वाइन है, वो हम इंपोर्ट करें और वो खाने के साथ हम एक कॉम्बिनेशन बना के लोग को बताएं कि आप यू नो वाइन के साथ कौन सा खाना अच्छा कॉम्बिनेशन में जाता है. रवि जी, लेकिन जायका जो होता है वो खासतौर कैसे इंडियन जायका अलग ही होता है कुछ, आप कह रहे मिक्स करेंगे? नहीं, मिक्स नहीं करेंगे बिल्कुल. हमारा मेन्यू जो है, हाफ ऑफ द मेन्यू जो है एकदम टिपिकल नॉर्थ इंडियन है. मैं नॉर्थ इंडियन फूड का ही जो हमने काम किया आज 20 साल, यू नो, पूरे गोरे को जो न्यूजीलैंड में गोरा नहीं खाना जानता था उसको हमने खाना सिखाया है. अब बिल्कुल, जब हम गए थे वहाँ पर सिर्फ 4 या 5 रेस्टोरेंट हुआ करता था, आज ऑकलैंड शहर में कम से कम 150 रेस्टोरेंट है. तो प्राइम मिनिस्टर तक रवि के को वहाँ पर खाना खाने, हाँ जी, हमने सभी ऑकलैंड में 20 साल से मैं रवि के खाने को ऑकलैंड में हमने सभी को कैटर किया, इंडियन टीम से लेकर न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, हमने जितने रेस्टोरेंट खुलाया लाइक यू नो, सो एक अलग लेवल में लेके गए थे. तो ऐसा नहीं है, मिक्स नहीं है, इसलिए मैं पहले बताया फ्यूज़न नहीं है. प्लान ये है कि सर्कस सर्कस में साउथ एशियन का एक कॉम्बिनेशन रहे कि लोग को अगर मलेशियन खाना तो मलेशियन भी खा सकता है, प्रॉपर नॉर्थ इंडियन कुजीन भी खा सकता है. कुछ नहीं है, बस काफ़ी फंकी नेम है और लोग को मज़ा आएगा. इंटीरियर हम भी, अभी ये जगह छोटा था, हमारा जो थॉट प्रोसेस था, हम काफ़ी चीज़ हम करना चाहते थे, बस जगह बहुत कम था कि हम कर ही नहीं सके. बट बहुत जल्दी यू नो एक बड़ा जगह की बात चल रही है और बहुत अच्छा न्यूज़ मिलेगा बहुत जल्दी. तो इंडिया भी किस तरह से आगे प्लानिंग कर रहे हैं आप, मतलब जैसे आपने कहा स्टार्ट ही किया है, आगे कुछ एक स्पेसिफिक बताएंगे आप किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं? प्लानिंग यही बोला, ब्रांड फ्लरिश करना है, पहले तो हमें ब्रांडिंग करना है, वो हमारा मेरा एक्सपर्टीज़ वही है. यू नो कि एक आउटलेट खोलते हैं, हम ब्रांडिंग करते हैं अपने को और जितने हमारे जो भी हम यू नो प्रोडक्ट हम बेचना चाहते हैं, कुजीन बेचना चाहते हैं, उस पर काफ़ी. अभी जैसे 15 दिन से हमारा फूड टेस्टिंग चल रहा है, 25 दिसंबर में हमने पहला फूड टेस्टिंग स्टार्ट किया था. 15 अभी मेन्यू भी हमने 80-90% हमने अभी जो है टेस्टिंग हमने कंप्लीट किया है. तो काफ़ी प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि हम जाते और खोल देते हैं, तो उस चीज़ पर काफ़ी बारीकी से ध्यान देते हैं. यू नो हेल्थ वाइज भी ध्यान देते हैं कि क्या चीज़ हमको यूज़ करना प्रोडक्ट. तो अभी काफ़ी चीज़ हमें प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, हम ट्राई कर रहे हैं उसको इम्पोर्ट करने का, वो चीज़ का कोई तरह का स्पाइस वगैरह है, जो सॉसेस वगैरह है. दे आर मेकिंग सम फ्यूजन हियर, सो मुझे तो बहुत पसंद आया टेस्ट और इवन एम्बियंस इज़ वेरी नाइस विथ सर्कस के नाम को बिल्कुल ही वो स्टिक किए हुए विथ रेड एंड वेरी वाइब्रेंट कलर्स. सो आई लाइक दैट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. एंड हाँ, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज व्हेन यू हियर द नेम लाइक सर्कस तो ऐसा लगा कुछ तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा. लाइक जैसे हम सर्कस देखते बचपन में, तो मेरा बचपन जग उठा था कि आई एम लाइक ओ माय गॉड, जो हम छोटे थे तो सर्कस सोचते थे तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट दिखती थी, तो आई थॉट लाइक दैट. बट यहाँ पर आया तो सब कुछ बहुत अच्छा वैसे ही है, आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे न्यू, बिकॉज पूरी वॉल पे आपको बहुत अच्छी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है, कलर बहुत अच्छा है एंड एम्बियंस इज अमेजिंग. सो बहुत खूबसूरत जगह ये. वेलकम, थैंक यू. सर्कस ये जो नाम है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं कर चुका हूँ कॉमेडी सर्कस, और कॉमेडी सर्कस और सर्कस ये दोनों ही चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों के दुख हरने के लिए और मुस्कुराहट लाने के लिए. तो मैं रवि भाई को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, देखना चाहता हूँ कवि, इनके काबिलियत को देख के लगता है कि जहाँ पर ना पहुँचे कवि, जहाँ पर भी ना पहुँच पाए अनुभवी, वहाँ पहुँच पाए हमारे भाई रवि. तो सर्कस सर्कस इस पैरे से पब को कहो, बार को कहो, रेस्टोरेंट को कहो, फैमिली, मतलब जिस तरह की आपकी मानसिकता हो उस तरह के लिए
आप यहाँ पर आ सकते हैं, खा पी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ म्यूज़िक भी है, खाना भी है, मतलब गाना और खाना एक साथ। तो मुझे लगता है कि रवि भाई ने बहुत दूर का लोगों का एक्सपीरियंस और उनका अनुभव समझा है, और उसके लिए मुझे खुशी है कि इसके ओपनिंग पर मैं आने का मुझे मौका मिला है। तो मैं ओपनिंग में बड़े ओपन हार्ट से सबको वेलकम करता हूँ कि प्लीज़ आइए, अपना 2020 यहाँ बिताइए। 2020 की शुरुआत अच्छी है जी, 2020 की शुभकामनाएं मैं दे रहा हूँ कि आप मुबारक हो नया साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहे रवि भाई और सुनील पाल। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं देश भर में लोग बहुत सारे प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने हैं भाई भाई, एक जगह है जहाँ पर सब मिलकर खा पी सकते हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं, और वो उस जगह है सर्कस। अगली बार मैं यहीं आप सबको अपनी पार्टी दूंगा, और उस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। आप हम आई हैं, खूब खाइए पिए, बिल अमित शाह देंगे, क्योंकि बिल पास करने में उनका कोई जवाब नहीं। आपसे हम चाहेंगे यूनिकनेस काफी अच्छी लगती लोगों को, कुछ अलग कुछ नया, तो यहाँ पर ये यूएसपी क्या लग रही है, कितनी बेहतर लग रही है इस चीज़ के लिए? मतलब देखिए, एक तो क्या है कि साउथ एशियन की जो फूड है वो रेगुलर नहीं है, लोगों ने जो है चाइनीज़ तक तो खाया है, थोड़ा बहुत थाई फूड भी जो है आपसे काफ़ी जगह इंडिया में बॉम्बे में मिलना शुरू हुआ है, लेकिन मलेशियन फूड जो है वो इतना यूजुअल बॉम्बे के या इंडिया के लोग, तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो नई रेसिपीज होती है और वो एक अपने आप में एक्सपेरिमेंट है। जैसा गिरीश ने कहा कि यहाँ पर जो है साथ में स्ट्रीट फूड नहीं है, एक्सपीरियंस है, तो उसको बोलूँगा कि बेहतर वो एंटरटेनमेंट भी है, जो कि एंटरटेनमेंट और सेल्फ वाइटिंग आइडिया है। चीजें आपने टेस्ट की होगी कुछ पर हो गया अब कभी ना कभी हुए अभी हुए सर, ये रोल नहीं सर, ये रोल नहीं हो सकता है। अच्छा जी, क्या कहेंगे सत्य पुत्र भाइयों, सॉरी क्या कहेंगे खाने के बारे में, सर्कस के बारे में? मुझे सर्कस का फूड बहुत अच्छा लगा और काफी अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया है। आई लव टू लाइक आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर ऑल्सो, तो आई लव टू सी इन्होंने जो पूरा सर्कस का एक थीम यहाँ पे बनाई है, पूरे जोकर एंड ऑल दिस, आई लव दिस, क्योंकि मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे पब में जाके अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ पार्टी सेलिब्रेट करना और अपने क्या ओके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनका फूड अच्छा है, इन्होंने बहुत अच्छा सा डेकोरेट किया है, और मेन आप सब मीडिया जो मेरे इतने प्यारे हैं, दिल के बहुत करीब है, आप लोगों को इनवाइट किया है, तो मेन मेरे को तो आना ही पड़ेगा ना, फिर इधर आप लोग इधर है तो। मेरे माइंड में एक्चुअली यही आया कि सर्कस इन लाइक जो हम बचपन में देखते थे कि एक जोकर होता है वो अपना लाइक वो कहते हैं ना अपने अपने जो उसको करना होता है गेम्स कर्तव्य दिखाता है वो, तो मुझे लगा कि शायद उस टाइप का बच्चों का कुछ इन्होंने खोला होगा, बट नहीं, मुझे रियली इज वेरी नाइस कि इन्होंने बहुत एक अलग थीम से यहाँ पे सिंगिंग है, यहाँ पर ड्रिंक्स है, वहाँ फूड है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रिवर्स का थीम है और इसे खाने के साथ जोड़ा गया है, कितना यूनिक लग रहा है आपको, कुछ टेस्ट वगैरह किया अगर उसके बारे में बताएं? हाँ, मुझे बड़ा, पहले तो अपने नाम में, नाम जो है अपने आप में अलग है, सर्कस सर्कस देख के सुन करके थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ अलग होगा, लेकिन जब हम यहाँ आए और यहाँ का जो स्वाद लिया, चाहे वो चिकन का आइटम हो, चाहे मशरूम का आइटम हो, पनीर का आइटम हो, वो सारे मैंने टेस्ट किए, तो उसका फ्लेवर, उसका स्वाद, मतलब कई चीज़ों को आप सादगी से बनाते हैं और खाते हैं तो उसका एक अलग मज़ा होता है, लेकिन कुछ चीज़ों को आप खाते हैं उसमें किस व्यक्ति का क्या उसमें मसाला मिला हुआ है, क्या उसका स्पेशलिटी है, वो यहाँ पर आपको आपको स्वाद में पता लगेगा, क्योंकि ये स्वाद ऐसी चीज़ है कि आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक्सप्लेन करने में शायद शब्द छोटे होते हैं, क्योंकि स्वाद
जीत की बात है, तो वो आप लोगों ने खाया है तो अलग बात है, नहीं खाया तो आप खाएंगे तो फिर आप वही चीज़ बोलने लगेंगे। और खाने का कहते खाना का देखो, एक आदमी का शिद्दत होती है, कोई आदमी राश घर चलाने के लिए होटल खोलता है या एक छोटी सी दुकान खोलता है कि उसका सर्वाइव हो जाए, लेकिन एक आदमी अपने चीज़ों को, अपनी सोच को, अपने दिमाग से, क्योंकि सारा खेल आज हम देख रहे हैं दिमाग जिसके पास है वही बिजनेस कर रहा है, तो वो एक चीज़ जो है इस जगह पे आके मुझे महसूस हुई, क्योंकि रवि ने और जगह तो काम किया ही है लेकिन यहाँ पे उनकी शुरुआत है, तो वो चीज़ उस आदमी का विज़न समझ में आता है। मेरी अभी दो फिल्मों की शूटिंग चल रही है, एक तो बावले उतावले है, वो पवन जी की है जिन्होंने अभिमान पिक्चर बनाई थी, वो एक शूटिंग चल रही है, दूसरी चल रही है खली बली जिसमें धर्म जी है, मधु जी का कमबैक है, विजय राज राजपाल में हम तीनों ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं नॉर्थ से हूँ तो वहाँ का खाना आपको पता है, नॉर्थ का खाना बहुत यमी होता है, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, यहाँ की स्मेल बहुत अच्छी लगी खाने की, सो लेट्स सी। बट सर्कस नाम भी इतना इंटरेस्टिंग है और हम आ गए पहले दिन तो सर्कस काफी देखे मैंने सर्कस देखे और अलग अलग सर्कस देखे और ये भी कुछ अलग ही सर्कस है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड वेरी पॉजिटिव प्लेस एंड आई थिंक मैंने सुना है और मैं भी टेस्ट भी करने वाली हूँ, इनका खाना बहुत अमेजिंग है, बहुत यम खाना है मेरे ख्याल से, सो इट्स अमेजिंग फैंटास्टिक प्लेस। आपने टेस्ट किया फूड को, कैसा लगा फूड आपको? अभी तो आया, बहुत अच्छा लगा। आई एम बेसिकली वेजिटेरियन सो बट इनके पास जो वेजिटेरियन खाना है वो नॉनवेज के कंपेयर में बहुत अच्छा है। आर यू फूडी? वेरी मच, इसीलिए मैं इस इवेंट पे हूँ आज कि मैं आज यहाँ कुछ अच्छा खा सकूँ। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर इनका फेवरेट गाइस आउट बोलो ना चलो रोल या रोल या मैम रोल Yeah, hi guys, I'm Pooja Rajorian. I'm an actress and a model and I want to say it's an amazing place where you can sit, you can chill, you can enjoy your drink and enjoy the music. Thank you very much for inviting me, Mr. Pritam Sharma and all of you. सर्कस की जब भी बात करते हैं हम तो क्या आपके माइंड में आया यहाँ के बारे में? किंडर टाइप ऑफ हैप्पीनेस प्लेस वेयर यू कैन सी द जोकर्स एंड गेट सम काइंड ऑफ अ गुड वाइब्स एंड या अमेजिंग प्लेस टू हैव फन एंड चिल विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। द फूड अपने टेस्ट किया आपने, कैसा लगा फूड आपको? इट्स वेरी गुड इन टेस्ट एंड इट्स अमेजिंग। थैंक यू मैम, धन्यवाद। न्यू ईयर 2020 and this is Myra here for all of you and this is such a beautiful place and the name itself that says like circus circus, you know, like I'm so happy, at least like it's so fun, it's so colorful and you know like it's an amazing concept. It's like, you know, the entertainment starts with circus circus, you know, like life is all about a circus and I guess we all are joker here in this life, isn't it? So let's just get drunk and like wear your dancing heels and do come here to this beautiful place at Juhu Circus Circus. Thank you.